हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक भी होंगे। तो मेरा पाँव भी अब काफ़ी हद तक बेहतर है, मैं थोड़ा चलना फिरना शुरू हो गया हूँ। तो आज की हमने जो मुहिम शुरू की थी, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा वो रूम था जिसमें हम ब्रीडिंग कराते थे और अपने चिक्स को रखते थे। तो ये रूम हमने कर दिया खाली। क्यों खाली किया मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसके अंदर केजेस भी थे और इधर हम नर्सरी रूम भी बना रहे थे, वो बड़ा डिस्टर्ब माहौल हो रहा था, सब कुछ ख़राब हो रहा था। इस साल हमने जो प्लान किया वो ये किया कि इस रूम को भी सफाई सुथराई होगी, इसमें पेंट होगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यूज़ करेंगे नर्सरी रूम के लिए। यहाँ सिर्फ चिक्स और इंक्यूबेटर हमारा रहेगा, ठीक है। और बाकी जो हमारे बर्ड्स हैं वो कहाँ गए, केजेस कहाँ गए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा, उसके बाद हमने उनको शिफ्ट किया और अब फाइनली हम करने लगे थे पेयरिंग। तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूवर्स को दिखाया जाए कि इस साल हम कौन कौन से पेयर लगा रहे हैं। तो नंबर वाइज आपको पेयर दिखाएंगे और पेयर लगाएंगे। और आप सब ने जो करना है वो ये है कि वीडियो को पूरा देखना है और साथ के साथ आपने कहना है कि अल्लाह करे इनमें अच्छा रिज़ल्ट आए, ठीक है। तो चलते हैं, अभी एक एक पेयर पकड़ते हैं और उनको केजेस में शिफ्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इस साल क्या क्या ब्रीड होने जा रहा है और कितने पेयर ब्रीड होने जा रहे हैं। लेट्स गो। अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि केजेस की सेटिंग कैसे हुई है, बर्ड्स की सेटिंग कैसे होनी है, आपको भी दिखाते हैं। और आप जाने लगे हैं हम अंदर। पहले फ्रेंड्स आप लोग सेटिंग देख लें, ये केजेस लग गए हैं और बर्ड्स एक ही साइड पे हुए हैं अभी सारे के सारे। अभी एक एक करके बर्ड्स को पकड़ना शुरू करते हैं और इसमें एक बाय पेयर लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट लेना है वो लेना है सन की ओर से, ठीक है। सन की ओर को पकड़ते हैं और इसके अंदर छोड़ते हैं और आपको भी दिखाते हैं और देखते हैं कि कितने पेयर बनते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट है, ये एक हमारी फीमेल है। सबसे पहले इस फीमेल को छोड़ते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा रेड फैक्टर का, हाई रेड फैक्टर की एक फीमेल है और इसको भी हम छोड़ देते हैं केज के अंदर। अब इसके साथ ये एक पेयर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं कि ये जो दूसरा पीस हमने पकड़ा है इसके अंदर वो क्या है, आइदर मेल है कि फीमेल। तो उनको बड़ी एहतियात से पकड़ना पड़ता है, एक तो ये काट भी लेते हैं और बड़ा ज़ोर से ये काटते हैं। तो ये भी हाई रेड में है, बड़ा अच्छा कंट्रास्ट है इसका भी। आप ऑरेंज या जो भी इसको रेड फैक्टर कह दें, इसका रिंग चेक कर लेते हैं कि इसका क्या रिंग नंबर है, इसको कौन सा रिंग डला हुआ है। तो इसको जो रिंग डला हुआ है ये है फीमेल, और इस फीमेल का मेल देख लेते हैं कि उस केज के अंदर है या हमने पहले ऊपर डाल दिया। तो इसका जो मेल है वो हमने नहीं डाला, ये अलग से है, तो पहले इसको छोड़ देते हैं और इसके बाद ये है कि ये इसका भी मेल देख लेते हैं।
कुछ यूँ पेयरिंग हो गई है, ये एक पेयर कंप्लीट हो गया जो कि ऊपर छोड़ दिया, ये सेकंड पेयर है जो कि हैंग हुआ है, और इस पेयर का ये है कि ये दोनों पीस ऐसे हैं कि इन दोनों को लटकने की आदत है, स्टिक्स लगी होने के बावजूद भी ये लटकते हैं और पता नहीं क्यों लटक जाते हैं। खैर, ये दूसरा पेयर था। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ तीसरा और फाइनल पेयर जो कि हमने तीसरे पोर्शन में छोड़ा है, वो भी आप एक दफ़ा देख लें कि वो कौन सा है, फिर इसके बाद चलते हैं अपने रिंग नेक्स की तरफ। तो ये है तीसरा पेयर, और इस दफ़ा हमने ये एक स्पेशल पेयर भी किया है सन की नहीं, और कब वो क्या किया है वो आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। अब हम पकड़ते हैं अपने रिंग नेक्स को, क्योंकि रात काफ़ी होती, अंधेरा होता जा रहा है, तो उससे पहले इनको पकड़ना भी है और इनके दाना पानी का भी इंतज़ाम करना है। एक एक करके पकड़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पेयरिंग है। कुछ के रिंग्स जले हुए हैं, उनको रिंग्स के हिसाब से डालेंगे। तो अभी सबसे पहले तो हमने एक बर्ड पकड़ लिया है, येलो रिंग नेक, बल्कि नहीं, वाइट रिंग नेक को हमने पकड़ लिया है अपने, और ये फीमेल है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे साइज़ में है। इसको भी हम छोड़ते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। अब इसके साथ का मेल पकड़ लेते हैं और उसको भी इस फीमेल के साथ छोड़ देंगे। तो अटेम्प्ट इस तरह ले रहे हैं कि पेयर पेयर करके ही कोशिश कर रहे हैं कि छोड़ा जाए। वाइट हमारे पास ज़्यादा नहीं है, वाइट का हमारे पास एक ही पेयर है, तो इसको पकड़ के छोड़ने में मुश्किल नहीं होगी। फ्रेंड्स, अभी जो हमने पेयरिंग की है उसमें सन के न्योर थे और हमारे येलो रिंग नेक थे, जिनकी हमने पेयरिंग कर दी है। ठीक है, एक तो अंधेरा भी हो गया है, दूसरा ये कि हम थक भी बहुत गए, मेरे पाँव में दर्द शुरू हो गया दोबारा से, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, केजेस सेट किए, फिर इनको पकड़ा, आप उनकी पेयरिंग की, आपने देख ही लिया होगा, तो लिहाजा अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत सारा काम बाकी है, वो आपको दिखाएंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक हमारा वेट किएगा, ठीक है, और बस अभी इनको यहीं छोड़ते हैं, सुबह इंशाल्लाह नई वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको इनको बकाया पार्ट दिखाते हैं, डे टाइम में दिखाते हैं कि पेयर्स कितने खूबसूरत हो चुके हैं और क्या क्या पेयरिंग हमने की है। ये जस्ट एक ओवरव्यू दिया था आपको, डिटेल वीडियो आने वाली है, इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारा इंतज़ार भी करना है आपने। सो टू बी कंटिन्यूड, नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेगी इसी की कंप्लीट वीडियो। तो अल्लाह हाफिज़।